Hey guys, welcome back to Discovering Nearby. I am Sanket Kashyap और आज मैं बात करने जा रहा हूँ iPhone 13 की। तो मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट आईफोन है 2023 का और 2022 में भी ये बेस्ट आईफोन था। जब से लॉन्च हुआ है तब से ये बहुत पॉपुलर है और इवन iPhone 14 लॉन्च होने के बाद भी लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं क्योंकि ये ऑलमोस्ट सिमिलर है 14 के। तो ये सबसे बेस्ट आईफोन है जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आज मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा, मैं बताऊंगा कि क्यों ये बेस्ट आईफोन है 2023 का और क्यों आपको इसमें इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। तो ये बिल्कुल ही एक स्पॉन्सर्ड वीडियो होगी, मैं इसकी झूठी तारीफ नहीं करूंगा क्योंकि पता है आपको एप्पल प्रोडक्ट्स को तो कोई स्पॉन्सर करता ही ना, अमेज़न ने मुझे स्पॉन्सर किया है। और अगर आपको इस तरह की अनस्पॉन्सर्ड वीडियोस देखने में मजा आता है, मतलब इस तरह की वीडियोस आपको पसंद है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, तभी तो मेरा मन करेगा ना ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। तो हम जब भी कोई फोन खरीदते हैं तो कुछ कैटेगरीज के बेसिस पे डिसाइड करते हैं, कुछ कैटेगरीज के बेसिस पे फोन चूज करते हैं। तो मैं उन्हीं कैटेगरीज में बात करूंगा। मैं फर्स्ट बात करूंगा इसके डिजाइन के बारे में, सेकंड बात करूंगा बिल्ड क्वालिटी के बारे में, थर्ड बात करूंगा इसके कैमरास के बारे में, फोर्थ बात करूंगा स्क्रीन के बारे में, फिफ्थ बात करूंगा परफॉर्मेंस के बारे में, सिक्स बात करूंगा बैटरी लाइफ के, और फिर उसके बाद कुछ एडिशनल फीचर्स के बारे में। लेकिन अगर आपके पास पूरी वीडियो देखने का टाइम नहीं है तो मैं एक शॉर्ट में आपको इनिशियल कंक्लूजन दे देता हूं कि क्यों आपको ये परचेज कर लेना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो इसकी सब चीजें सिमिलर है आईफोन 14 के, मतलब आईफोन 14 में इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और ओवरऑल ये बहुत बढ़िया फोन इसलिए है क्योंकि एक तो इसका कैमरा बहुत ऑसम है, साथ ही साथ इसकी स्क्रीन बहुत बढ़िया है। मतलब स्क्रीन में रिफ्रेश रेट मैं मानता हूं थोड़ा कम है, 60Hz है, लेकिन वैसे स्क्रीन क्वालिटी बहुत बढ़िया है। इसकी ऑसम बैटरी लाइफ है, मैं नहीं मानता कि इतनी बढ़िया बैटरी लाइफ इस रेंज में किसी फोन में होगी, इवन एंड्रॉइड को भी बीट कर सकता है ये बैटरी के मामले में। तो ये रीजंस बहुत हैं इसको चूज करने के लिए, क्योंकि अगर आप एक व्लॉगर हो या आप वीडियोस बनाना चाहते हो या व्लॉगिंग के लिए फोन लेना चाहते हैं तो इसके अंदर सबसे बढ़िया चीजें मौजूद है उसके रिगार्डिंग। जैसे कि इसके अंदर सिनेमैटिक मोड मिलेगा, मैं मानता हूं 1080p में मौजूद है, मतलब फुल एचडी में अवेलेबल है, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया के लिए वो सफिशिएंट है, आप फर्क नहीं बता पाओगे। और ये 4K 60fps तक HDR वीडियो शूट कर सकता है जो कि बहुत बढ़िया चीज है, और बैटरी लाइफ ऑसम है तो काफी टाइम तक आप इसके अंदर व्लॉगिंग कर सकते हो। और अगर आप इसे व्हाइट कलर में खरीद लोगे तो लोग नहीं पहचान पाएंगे कि आपने 14 ले रखा है 13 ले रखा। तो अगर अभी से आप कन्विंस हो गए हो इसे खरीदने के लिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके खरीद लो ताकि आपको बेस्ट प्राइस मिल सके और मेरे चैनल थोड़ा प्रमोट हो सके। तो अब डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। तो अनबॉक्सिंग की बात करूं तो जैसे आपको पता है एडाप्टर तो आता नहीं, तो आपको मिलेगा डाटा केबल और एप्पल स्टिकर्स, इसी में आपको काम चलाना पड़ेगा अब तो। और 20W का एडाप्टर आपको परचेज करना पड़ेगा सेपरेट, उसके रिगार्डिंग मैं रिव्यू डाल चुका हूं, तो वो भी एक बार चेक कर लेना कि क्यों 20W को चूज करना चाहिए क्योंकि अब 30W का अवेलेबल है ना, तो वो वीडियो भी एक बार चेक कर लेना। और अगर खरीदने मन करे तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको इसका केस भी बहुत पसंद आ रहा है, मतलब आपको अच्छा लग रहा है ये केस, तो इसके रिगार्डिंग में मैं वीडियो बना चुका हूं, लेकिन इसे खरीदने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके खरीद लेना। तो अब बात करते हैं सबसे फर्स्ट कैटेगरी के बारे में, दैट इज डिजाइन। अब इसका डिजाइन बहुत बढ़िया है, जो बॉक्सिड एंड लेटेस्ट चल रहा है आईफोन ये उसी डिजाइन के साथ आता है, और ये बहुत ही बढ़िया डिजाइन है दिखने के अंदर। हाथ में कंफर्टेबल है या नहीं है ये तो मैं नहीं कह सकता, ये पर्सनल प्रेफरेंस है, लेकिन फिर भी ये बहुत कॉम्पैक्ट लगता है, हाथ में पकड़ के आपको बहुत अच्छा फील होता है। और डिजाइन के अंदर सबसे प्लस पॉइंट यही है कि ये सिमिलर है आईफोन 14 के, तो ये चीज बहुत बढ़िया है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि अगर आप इसमें व्हाइट कलर, ब्लैक कलर, रेड कलर ले लोगे तो लोग नहीं पहचान पाएंगे कि आपने 13 ले रखा है या 14। तो ये सबसे बढ़िया चीज है और इसका डिजाइन बहुत ही बढ़िया है, कहीं से भी आपको आउटडेट नहीं महसूस होता, और ये सबसे सुंदर डिजाइन में से मुझे एक लगता है। और अगर डिजाइन की बात कर रहे हैं तो नॉच इसके अंदर आपको मिलेगी, लेकिन एज कम्पेयर टू 12 वो बहुत छोटी है, और धीरे धीरे आपको उसकी आदत हो जाएगी, कोई भी दिक्कत आपको महसूस नहीं होगी। और डिजाइन के अंदर एक और चीज बढ़िया है कि इसके अंदर काफी अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कलर मौजूद है, लाइक व्हाइट कलर मौजूद है, अगर आप गर्ल हैं तो इसके अंदर पिंक कलर मौजूद है, अगर आप लड़के हैं तो आप ब्लू कलर भी चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझसे पूछे कि बेस्ट कलर कौन सा है, दैट इज व्हाइट, क्योंकि व्हाइट के ऊपर सारे केसेस भी बढ़िया लगते हैं और व्हाइट खुद भी थोड़ा पीलिंग से लगता है, इसका डिजाइन निखर के आता है। बाकी पर्सनल चॉइस है, कलर आप कोई भी चूज कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। तो बिल्ड क्वालिटी इसकी काफी प्रीमियम है, ये ग्लास और एल्युमिनियम बिल्ड है, और इसके अंदर सिरेमिक शील्ड यूज की गई है जो एप्पल के हिसाब से काफी टफ ग्लास प्रोटेक्शन है, तो ये चीज बहुत बढ़िया है, मतलब अच्छी ड्रॉप प्रोटेक्शन आपको देगा। और एप्पल की तरफ से तो एप्पल ये भी कहता है अपनी ऐड के अंदर कि आप बिना केस के भी इसे यूज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी एक केस और स्क्रीन गार्ड में आप इन्वेस्ट जरूर कर लेना अपनी सेफ्टी के लिए, लेकिन उनकी तरफ से ये टफ ग्लास है तो ये चीज बहुत बढ़िया है। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है काफी प्रीमियम है, उसमें भी कहीं से ही आपको दिक्कत नहीं आएगी। और इसकी जो ग्लास बैक है वो शाइनी है, तो ये ज्यादा मुझे पसंद है एज कम्पेयर टू प्रो सीरीज, थोड़ा फिंगरप्रिंट मैग्नेट तो बन जाता है लेकिन काफी अच्छा फील होता है ये हाथ के अंदर। आप जिसे हाथ में पड़ोगे तो उसका वेट भी बहुत कंफर्टेबल है, मतलब ना ये भारी है ना ही हल्का है, हाथ के अंदर बहुत
बहुत प्रीमियम फील होता है ये। तो डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी इसका टॉप नॉच है, उसमें कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं आई। अब थर्ड बात करते हैं कैमरास के बारे में, जिसके लिए आईफोन शुरू से मशहूर है और लोग सिर्फ कैमरास के चक्कर में ही आईफोन में इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो इसके अंदर तीन कैमरास देखने मिलेंगे, बैक में दो, फ्रंट में एक। बैक में आपको मिलेगा मेन लेंस और अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, फ्रंट में आपको 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। तो तीनों कैमरास 12 मेगापिक्सल के, तीनों के अंदर ही आपको नाइट मोड देखने मिलेगा। मेन लेंस में सेंसर शिफ्ट स्टेबलाइजेशन है जो कि बहुत बढ़िया है, मतलब एक्शन मोड के टक्कर ही लगा लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको यूज करने में। तो खैर इसके कैमरास के बारे में ज्यादा बात नहीं करते, मैं आपको उसके सैंपल्स दिखा देता हूँ। फिलहाल जो आप वीडियो देख रहे हैं वो भी आईफोन 13 के सिनेमैटिक मोड में ही देख रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कैसी क्वालिटी ये लेता है। और जो आप ऑडियो सुन रहे हैं वो भी इसके इंटरनल माइक से ही है। तो आपने इसके सैंपल्स देख लिए, बाकी मैं डिटेल में एक वीडियो बना चुका हूँ जहाँ पे मैंने इसके कैमरा सैंपल्स आपको दिखाए हैं, इसकी HDR वीडियो दिखाई है, वो दोनों वीडियोस में बना चुका हूँ, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप चेक कर लेना। तो इसके कैमरास बहुत सुपर्ब है और वो ऑलमोस्ट सिमिलर है आईफोन 14 के, उससे भी मैं इसे कंपेयर कर चुका हूँ और उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो 14 के कंपेरिजन में कैसा है तो वो भी एक बार चेक कर लेना। बाकी 14 प्रो से भी मैंने कंपेयर किए हैं इसके कैमरा सैंपल्स, अगर वो देखना चाहो तो वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी स्क्रीन के बारे में। अब इसकी स्क्रीन बहुत बढ़िया है, बहुत ही ऑसम स्क्रीन है, जैसे मैंने इसके अंदर आपको नॉच देखने मिलेगी। अब नॉच इसमें छोटी है, अगर आप 12 से कंपेयर करो और 14 में भी इतनी ही नॉच आती है तो नॉच बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। आपको थोड़े दिन बाद उसकी आदत हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि आपको बार बार वो खटकेगी, ऐसे कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। बहुत ही ऑसम स्क्रीन है, कलर जो इसके अंदर निकल के आते हैं बहुत ही सुंदर है, वन ऑफ द बेस्ट स्क्रीन है अगर स्क्रीन क्वालिटी की बात की जाए। लेकिन ये 60Hz स्क्रीन है तो उतनी स्मूथ तो नहीं है जितनी 120Hz होती है, तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक लगा सकते हैं, लेकिन दिक्कत कोई भी नहीं आएगी। लेकिन अगर आप 120Hz यूज कर चुके हो तो शायद थोड़ा बहुत आपको फील हो, बाकी ऐसी कोई भी इसके अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो स्क्रीन इसकी बहुत बढ़िया क्वालिटी है, इसमें कंटेंट व्यूइंग का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। तो इसकी परफॉर्मेंस भी टॉप नॉच है, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी गेम आप इस पे खेलना चाहे तो वो प्ले कर देगी। परफॉर्मेंस है 14 के सिमिलर है अगर आप डे टू डे टास्क करते हो, और ये बहुत ही बढ़िया चीज है। हल्का फुल्का डिफरेंस आपको वीडियो एडिटिंग में देखने मिल सकता है, उसके अलावा कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। और ये गेमिंग के लिए भी एक परफेक्ट फोन है, क्योंकि इसके अंदर परफॉर्मेंस के साथ साथ एक चीज और बढ़िया है, दैट इज इसकी बैटरी लाइफ। तो नेक्स्ट बात करते हैं बैटरी लाइफ की। अब इसकी बैटरी लाइफ बहुत ऑसम है, वो भी ऑलमोस्ट 14 के सिमिलर है, आप इसे थ्रू आउट द डे आराम से यूज कर सकते हो एक बार चार्ज करके। और ये चीज मुझे इसके अंदर बहुत बढ़िया लगी, क्योंकि पहले आईफोन बहुत बदनाम था अपनी बैटरी लाइफ को लेके, लेकिन इसमें उन्होंने वो चीज इंप्रूव कर ली है। इवन 12 से भी 13 में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज है, तो ये चीज बहुत बढ़िया है। तो बैटरी लाइफ में आपको कोई भी शिकायत नहीं होगी। लास्ट बात करते हैं कुछ एडिशनल फीचर्स की। तो जैसे कि एप्पल का जो ट्रेडमार्क है, इसके अंदर आपको फेस आईडी देखने को मिलेगी जो कि बहुत क्विक है और बहुत ही जबरदस्त बायोमेट्रिक है मेरे हिसाब से। सेकंडली ये 5G फोन है तो उसकी भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये फ्यूचर रेडी है। और साथ ही साथ ये वाटर रेजिस्टेंट है, तो अगर आप एक्सीडेंटली इसे पानी वानी में ड्रॉप कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप पानी के अंदर से यूज करो, क्योंकि अगर गलती से भी खराब हो गया तो भाई साहब वारंटी के अंदर कवर नहीं होगा। लेकिन फिर भी वाटर रेजिस्टेंट है, गलती से आप इसे पानी में गिर दो, गलती से बारिश में यूज करना पड़ जाए तो कोई भी दिक्कत उसमें नहीं। तो ये सब चीजें हैं और ये मेरे हिसाब से बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फोन है, मतलब एंड्रॉयड और आईफोन में भी मैं मानता हूं सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी यही है। इसमें आपको इन्वेस्ट कर देना चाहिए, और अगर आप इन्वेस्ट करने का मन बना ही चुके हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके खरीद लो, जैसे मैंने शुरू में बताया था, आपका भी फायदा होगा, मेरा भी फायदा होगा। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आईफोन से रिलेटेड, आईफोन 13 से रिलेटेड और बाकी आईफोन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो चैनल पर मौजूद है, तो एक बार चेक कर लेना। अगर आप कहीं ना कहीं टेक वीडियोस बनाने में इंटरेस्टेड हो, आप भी एक यूट्यूबर बनना चाहते हो, तो मैं कोर्स लॉन्च कर चुका हूं discoveringnearby.graphic.com पर, उसकी डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, लिंक भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहां से जाके एनरोल कर लीजिए, क्योंकि अभी आपको वहां पर 50% ऑफ देखने के लिए मिल रहा है। और अगर आप यूट्यूब को मेरी तरह अपना कैरियर बनाने की सोच रहे हैं तो ये एक बहुत आसान कोर्स है, बहुत बढ़िया कोर्स है और वर्थ इन्वेस्टिंग है मेरे अकॉर्डिंग, जहां पे आपको A to Z यूट्यूब के बारे में और कैसे पैसा कमाना है, कैसे वीडियो बनाना है, सब कुछ सिखाऊंगा। तो वहां पे भी आप एनरोल कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, मेरी वीडियो बनाने का स्टाइल आपको पसंद आया। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय।